लुधियाना सिटीजन काउंसिल द्वारा अशोक धीर द्वारा लिखित पंजाबी शॉर्ट फिल्म मुड़ हस्या पंजाब का प्रीमियर शो का आयोजन श्री गुरु नानक देव भवन में कल रात किया गया। फिल्म का आरंभ ममता आशु, दर्शन अरोड़ा, अशोक धीर, अनिल भारती, कमलजीत सोई, रविकांत गुप्ता, अनिल जैन, आईएस खन्ना, डॉक्टर एस पी पांडिवा, सुखमिंदर सिंह ने ज्योति प्रज्वलित करके किया। यह फिल्म श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को समर्पित की गई। आयुर हर्बल के भूतपूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर स्वर्गीय सरदार दलविंदर सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य मेहमान श्रीमती ममता आशु जी, खेती विरासत मिशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमेंद्र दत्त और सोनगढ़ फार्म्स के संस्थापक सरदार कमलजीत सिंह हेयर विशेष रूप से यहाँ शिरकत करने आए। हॉल खचाखच भरा हुआ था। लुधियाना की विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न एसोसिएशंस के पदाधिकारी यहां मौजूद थे। फिल्म बहुत ही भावपूर्ण थी। इस फिल्म में पंजाब में बेरोजगारी, नशाखोरी, भ्रष्टाचार, किसानों द्वारा आत्महत्या, ट्रैवल एजेंटों द्वारा मासूम पंजाबियों का शोषण, खाने पीने की चीजों में मिलावट के मुद्दे बड़े ही सलीके से पेश किए गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक नशे में डूबा हुआ युवक, जिसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, वह किसी प्रकार से अपने अंतर्मन से जूझकर अपनी बुराइयों पर विजय पाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। काउंसिल के चेयरमैन दर्शन अरोड़ा ने कहा कि यह फिल्म पंजाब वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उल्लेखनीय है कि श्री अशोक धीर काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं और पहले भी दो शॉर्ट हिंदी मूवीज नन्ना फरिश्ता व मेरी बहू मेरा अभिमान की कहानी और पटकथा लिख चुके हैं। सतीश चंद्र धवन सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री धर्म सिंह संधू ने कहा कि यह पंजाबी युवकों के लिए बहुत ही उपयुक्त फिल्म है। इस समारोह में काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन सरदार कमलजीत सिंह सोई, जो केंद्रीय सरकार द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव की तैयारियों संबंधी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। सभी श्रोताओं ने फिल्म की कहानी और अमन सैनी के निर्देशन की बहुत ही प्रशंसा की। इस फिल्म की कहानी इतनी भावुक थी कि कई दर्शक तो अपने आंखों में आंसू रोक भी नहीं सके। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ एशियंस की एक खास रिपोर्ट। जॉब के लिए ये मेरा रिज्यूम थे, डॉक्यूमेंट्स हैं। ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਅਕਸ ਸਾਜਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। खैर मेनू कहने की लोड़ नहीं, तुसीं हुण देख ही लिया। मेनू गाउण दा शौक है, मैं प्रोफेशनली आई एम नॉट अ सिंगर। जिहड़े तुसीं दोनों गाने सुने ने ओह कोई प्रोफेशनल रिकॉर्डेड गाने नहीं हैगे, ओह एक सिंपल विदाउट म्यूजिक सीगे। ओह दोनों गाने मेरे ही गाए हुए, नशियां दा वाला एंड दूसरा। तो अशोक धीर जी, मैं हमेशा इहनां नूं कहिंदा हुंदा कि इहनां ने जो भी मैं अज है, जो भी मैं हैगा, सिर्फ इन्हां दी वजह करके हां। और मैं हमेशा ही हैरान हुंदा हुंदा कि इन्ना वड्डा प्रोजेक्ट इन्हां ने कीता बिना किसे लालच तो, बिना किसे उस तो बाद इन्हें हुंदा कि मैं कोई ना कोई चंगा मैसेज हमेशा कन्वे करा। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खास तक ही मेरे प्रोजेक्ट मेंबर ने, वाह वाह वाह, आ इन्हां दा बेटा जी। हां जी पुत्र, इन्हें हुण उन्हें बीए कीती आ, इन्हें जाना कनेडा। मैं तो थोड़े को लेके आया, बाकी तुम देखो। गल ही कोई नहीं जी, पिछले महीने च आप 200 वीजे जड़े है कनेडा के लवाए है। आप तो पूरे पंजाब के मुंडे कनेडा भेज देने हैं, तो पंजाब खाली कर देना। वाह जी वाह, वाह जी वाह, चिंता ना करो, पासपोर्ट दो तुम मुंडे का। लिया काका कॉपी, अज तो 20वें दिन टोरंटो के हवाई अड्डे से उतर जूगा। लो जी, बस तुसी पैसे का इंतजाम करो 15 लाख रुपए, ते आपा काम शुरू कराइए। ओ तुसी बेफिक्र रहो, पैसे थोड़े मैं पहुंच दे करूंगा। जी जी, और तुसी ना काम करो। मैं कह जी समझो काम थोड़ा हो गया, मुंडा पहुंच गया थोड़ा कनाडा। क्यों करना भाई, क्यों कुछ करना। अच्छा जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। चंगा सर, मैं पंजाब हूं, इसने मेरी तारीफ जरा ज्यादा कर दी है, पर काबिल-ए-तारीफ ये बंदा
इसमें इतना जुनून है और वो बहुत ही ईमानदार शख्स है, बहुत ही मतलब इसमें समाज के लिए कुछ करने की जज्बा है, भावना है, जुनून है। तो मैं एक बार जरूर शेयर करना चाहता हूँ। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो पंजाबी में जरूर मैं लिखता था, तो पंजाबी लिखनी थोड़ी मुझे मुश्किल आ रही थी। तो हमने क्या चीज क्रिएट की, मैंने ये मेरे रोज पीछे पड़ रहा था, ये सीन भेजो, ये सीन भेजो, ये सीन भेजो। तो मैंने कहा यार मुझे पंजाबी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको ना ऑडियो क्लिप भेजता हूँ, कौन सा करेक्टर क्या बोलता है, कौन सा करेक्टर क्या बोलता है, आप कंप्यूटर पे जाके उसको टाइप करके अपना सीन बनाओ। तो इसने मेरी बड़ी हेल्प की है, लोटा तालीम के लिए। कोई भी फिल्म हो अगर हैप्पी एंडिंग हो, जिसका अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट हो, तो मेरे हिसाब से वो बेहतरीन साबित हो सकती है। क्योंकि अगर हम सरकार को दोषारोपण करते रहेंगे हमारे नौकरियां नहीं है, ये नहीं है, पंजाब में वैसे भी धीर साहब के घर आके मैं वैसे ही बहुत वाला लगता है, घर वर्गा लगता है।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਥੈਂਕਸ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਿਸਿਸ ਧੀਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਔਰ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। इसी तरह केला और आम जैसे फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बनाना चाहिए जी, और मेरी रिक्वेस्ट है कि तुसी सब इस चीज के बारे थोड़ी जी नॉलेज दो। सब तो पहला तो तुम्हारा स्वागत है। ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਕੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਸਰ।